इंडिया में बैडमिंटन के बारे में और जिसको कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने वर्ल्ड टूर सुपर 300 पिछले साल उसको स्टेटस दिया था, वो 26 नवंबर से कल से शुरू हो रहा है, ये पहले दिसंबर तक चलेगा। इस बार की खासियत ये है कि जैसे पिछली बार लगभग 20 देशों के 300 खिलाड़ी खेलने आए थे, इस साल लगभग 24 देशों के 400 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कुल खिलाड़ी जो देशी विदेशी कुल जो खेलेंगे वो हैं लगभग 451 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये लगभग एक सप्ताह चलने वाला टूर्नामेंट देश के मुख्य और दुनिया के मुख्य टूर्नामेंटों में से है। इसमें कुल इनामी धनराशि $1.5 लाख की है जो कि विभिन्न स्तरों पर दी जाएगी। मुख्य खिलाड़ी जो इस बार आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वो कैरोलिना मारिन है स्पेन की, साइना नेहवाल हैं, अश्विनी पोनप्पा हैं, किदांबी श्रीकांत हैं, समीर वर्मा हैं, सात्विक राज रानी रेड्डी है, चिराग शेट्टी है, इन दोनों ने अभी मिलकर डबल्स में भी एक टूर्नामेंट जीता था। फिर चाइना के हैं चेंगा मथाई बो काफ़ी अच्छे ये मेल खिलाड़ी हैं और कार्स्टन है डेनमार्क के, ये भी काफ़ी अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, कई टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं। तो इसी परिसर में ये टूर्नामेंट 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा, आम जनता के लिए निशुल्क रहेगा। और हम लोगों ने पिछले वर्ष से बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जो है आपने इधर देखा होगा आते समय, ये हम नया एक बिल्डिंग बना रहे हैं, नया हॉस्टल बना रहे हैं जो कि उसका ग्राउंड फ्लोर इस बार यूज़ होगा हमारे ऑफिशियल्स के लिए। तो इस टूर्नामेंट जो ये वर्ल्ड सीरीज सुपर 300 है इससे इस पूरे क्षेत्र में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। विदेशी खिलाड़ियों के आने से उनको खेलता देख के जो हमारे स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको सीखने को मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया 24 देशों से लोग आ रहे हैं, मैं देशों के नाम भी आपको बता सकता हूँ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन, कनाडा, चीनी ताइपाई, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, कोरिया, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, रूस, स्पेन, थाईलैंड, अमेरिका, वेल्स, आयरलैंड की टीमें, ये खिलाड़ी इन देशों से आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये देश प्रदेश के लिए और शहर के लिए हमारे एक बड़ा प्रेस्टिजियस एक सम्मानजनक कार्यक्रम है, सब लोग हम लोग मिलके उसको सफल बनाएं। कार्यक्रम का उद्घाटन 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और करेंगे और विशिष्ट अतिथि माननीय खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि ये इसको कवर भी करें और ये कल शाम को 4 बजे इसका उद्घाटन का कार्यक्रम। सर जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं और उनको जो क्योंकि आप राज्य सरकार से हैं तो स्पोर्ट्स के कोटे में काफ़ी जॉब्स रहती हैं, वो क्यों नहीं फुलफिल हो रही हैं और उनका क्यों एक्सपोजर नहीं हो रहा है? नहीं, आपने कहा ना लोगों को नाम मिलता है, पहचान मिलती है साथ साथ। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल अगर शहर में हो रहा है तो बच्चों को सीखने को मिलता है और जो खेल है पर्टिकुलरली विधा है जो बैडमिंटन की उसको और बढ़ावा मिलता है। उसका सहयोग मिले इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए, अभी यहाँ पे अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज भी हो रही है, बट हम चाहेंगे कि हमारा खुद का टूर्नामेंट है, इंडिया में सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, लखनऊ में हो रहा है, तो आप लोग जितना इसके बारे में
इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं और जितना लिखेंगे तो उतना और ज़्यादा इसे अट्रैक्शन मिलेगी और बच्चों को और ज़्यादा पता चलेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव इस टॉर्नामेंट से यही है कि उत्तर प्रदेश में बैडमिंटन और ज़्यादा ग्रो करे और लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट हों इस टॉर्नामेंट से। इसलिए सारे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स इधर आ रहे हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स कार्यक्रम आ रहे हैं, आ रही है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग का पूरा सहयोग करें। आपका एसोसिएशन कितना सहयोग मिलता है खासकर बैडमिंटन के लिए? राज्य सरकार हमें समुचित सहयोग देती है और समय समय पर जब भी हमने राज्य सरकार से किसी सहायता की उम्मीद की है हमें समय पर मिली और इसके लिए हम राज्य सरकार के आभार